नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कारनामे बोलते हैं में। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करवाएंगे जो कि स्वदेशी का चेहरा है। एक तरफ ये शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और दूसरी तरफ पतंजलि का मीट मसाला बेचते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं बाबा कामदेव, ओ सॉरी, बाबा रामदेव का। बाबा जी आपका स्वागत है। नमस्ते सर। सरकार कैसी चल रही है बाबा जी? ये राजयोग है। बाबा जी आपको क्या लगता है किस किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है? सात चीजें, माने उनका हेल्थ वाला समस्या, उनका उज्ज्वला गैस, लाइट, बिजली, पानी और उनको मकान, माने टीकाकरण, और अभी जो स्वच्छ भारत। चलिए छोड़िए, समझ गया, हर क्षेत्र में जरूरत है काम करने की। बाबा जी आपको क्या लगता है मोदी जी के कामों से किसान खुश हैं? देखिए, काफ़ी हद तक किसान भी अभी थोड़े नाराज चल रहे हैं। मोदी जी ने वायदा किया कि मैं उनकी 2-3 गुना आय करना चाहता हूँ, अब उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बाबा जी मोदी सरकार को 4 साल पूरे हो गए, तो इन 4 सालों के बाद आपको क्या लगता है कि मोदी जी में एक अच्छे लीडर का गुण है? वो दिखता नहीं है, दिखता है तो उतना प्रभावी नहीं दिखता है, लोग उसको ऐसा ना। बाबा जी इतना आप मोदी और बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? और ये बात तो आप भी महसूस कर सकते हो, मैंने थोड़ा कह दिया, बस प्यार से बोला है, कोई ऐसा कोई। आपकी बात कोई सुनता है बीजेपी में? नहीं, बात तो सुनते हैं, अमित जी भी सुनते हैं, जेटली जी भी सुनते हैं, गडकरी जी भी सुनते हैं। और मोदी जी? और मोदी जी भी सुनते हैं। क्या आपको लगता है 2019 में टक्कर होगी? लोकतंत्र तभी सही दिशा में आगे बढ़ता है जब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन थोड़ा टक्कर क्या हो। तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी वालों को जीत के लिए संघर्ष करना पड़े तो अच्छी बात है। अमित शाह के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं किसी व्यक्ति की है, उसका जो चरित्र है और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको मैं कैसे भुला दूंगा? बाबा जी, अखिलेश यादव और योगी जी में से आप किसके साथ हैं? अखिलेश जी से मेरा पुराना प्रेम है, तो मैं और उस, आप अखिलेश जी का एज ए इंडिविजुअल आप यदि मूल्यांकन करेंगे, वो बहुत संस्कारी व्यक्ति है और लड़ रहा है। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया तो कौन करेगा? आजकल कुछ बातों में सीधा बोलने का जमाना नहीं रहा। बाबा जी तो क्या अब आप चुनाव लड़ेंगे? उससे हमारा तो प्रेम तो रहेगा ना, ऐसे जो है, इसलिए मैं निष्पक्ष दिखाने के लिए नहीं, मैं एक सन्यासी व्यक्ति हूँ। बीजेपी के लिए आपका क्या एजेंडा है? इस मामले में तो डिप्लोमेटिक बात की जाए वही अच्छा है। बाबा जी इस इंटरव्यू के बाद आप बीजेपी और भक्तों से जम के मार खाने वाले हो। कांग्रेस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस में भी 99% जो उनके लीडरशिप है, वो जब भी मेरे से मिलते बहुत प्रेम से बात। आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे राहुल जी से या सोनिया जी से भी मेरा कोई झगड़ा नहीं है। देखो अब मैं तो गांव का आदमी हूँ, हमारे कोई खून थोड़ी बट रहे, जमीन थोड़ी बट रही है। लगता है आपको सलवार वाली मार अभी भी याद है। बाबा जी राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कहते ना, दो ताकतवर आदमी लड़ रहे हैं, उसके बीच में जाकर के अपनी जो ठुकाई क्यों करवाऊं भाई? ये राजनीतिक रूप से जो इनकी लड़ाइयां हो, देश हित की कोई बात होगी, मैं किसी भी राजनीतिक दल की, मैं नीतियों की बात करता हूं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको दोबारा सलवार पहनने की जरूरत ना पड़े, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सर।